तो ये देखिए गाइस, सुबह का धूप, सुबह का किरण कैसे निकला हुआ है। काफी तेज धूप हो गया अभी सुबह सुबह में। मॉर्निंग। तो इतना हवा भी चलता है तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इतना हवा चलता है गाइस तो बच्चे के लिए अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका बदन थोड़ा सा ढक दीजिए नीचे से। खाली मूड़ी खोल कर रखिए ये। तो मेरी सुबह की चाय भी आ गई है दोस्तों, धूप भी ले रही है तो 5 मिनट हो गया सो धूप लिए। गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पे देखिए मोमो बन चुका है, वेज मोमो, पनीर मोमो जो भी है यहाँ पे, ये सब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, लजीज बना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग। हेलो बेटा, हाय, हेलो हेलो हेलो, से गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग दीदी, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो, दीदी लोग को, भैया को भी गुड मॉर्निंग बोल दो, मम्मा को भी गुड मॉर्निंग बोल दो, डैडू को भी गुड मॉर्निंग बोल दो, बोल दो बोल दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, डर जा रही, गुड मॉर्निंग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियोस में गाइस। तो सुबह का बज रहा है 6:30 और ऐसा है कि मैं अभी, हम लोग अभी क्या करते हैं कि बाबू को ऊपर में धूप में ले जा रहे हैं हम लोग छत पे, और डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि थोड़ा बच्चे को सुबह का धूप देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लगभग 5-6 दिनों से बच्चे को सुबह का धूप दिला रहे हैं और अभी हम लोग फिर ले जा रहे हैं धूप दिलाने के लिए, और सुबह वही 6:30 और 7 बजे के आसपास बीच में धूप रोज डेली हम लोग ले जाते हैं। तो चले भाभी लेके, चलिए चलिए लेकर। तो ये देखिए गाइस, सुबह का धूप, सुबह का किरण कैसे निकला हुआ है। काफ़ी तेज़ धूप हो गया अभी सुबह सुबह में, और मुझे तो उधर देखने के लिए देख भी नहीं पा रहा मैं ऊपर सूरज धूप में, सूरज में बेकर दिख नहीं रहा मुझे, सूर्य भगवान आखिर है किधर, एकदम सामने में चमक रहे हैं। और यहाँ पे बाबू जागी है, बाबू यहाँ पे जगी हुई है, बाबू यहाँ जगी है गाइस, ये देखिए, ओहो बाबू तो एकदम जगी हुई है, धूप ले रही है मस्त सुबह का धूप गाइस। आप भी देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पीछे से भी सूर्य भगवान दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं आपको सुबह का नज़ारा, देखिए गाइस वाह। और यहाँ पे धूप लेना शुरू कर दी है, काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रहा है गाइस। तो इतना हवा भी चलता है तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, इतना हवा चलता है गाइस तो बच्चे के लिए अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका बदन थोड़ा सा ढक दीजिए नीचे से। खाली मूड़ी खोल कर रखिए, ये सब खोल, ये सब ढकिए अच्छे से पैर सब, देख रहे हैं। तो ऐसे हवा चल रहा है तो बच्चों को ऐसे हवा में बचा के रखना चाहिए, धूप का मतलब ये नहीं कि पूरा कपड़ा खोल के हवा देने में तो सर्दी हो जाएगा बच्चों को, फिर बुखार जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ा धूप चाहिए बस सर में। क्या ढाकेगा इसको आदमी, ये तो सूख करके देखिएगा कैसे, बहुत अच्छे से धूप लेती है लेकिन देखिए ना, धूप अच्छे से लेती है बहुत। ए बेटा देखिए उसको पूरा गर्दन ऐसे उठा उठा के धूप ले रही है, अभी थोड़ा धूप लगेगा, थोड़ा इसको जब धूप आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस तो ये फिर अपना रोना कुन कुन शुरू कर देगी 5 मिनट में या 2 मिनट के अंदर, देखिएगा। तो मेरी सुबह की चाय भी आ गई है दोस्तों, धूप भी ले रही है तो 5 मिनट हो गया सो धूप लिए हुए, धूप में ये थोड़ा सा मानती नहीं है, छटपटाती है, ऐसे 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 करती बैठ गए हैं उनको। और मज़े की बात गाइस कि ये पोटी भी कर दी है अभी भाभी के गोद में, अभी पोटी कर दी है, पर करके पोटी कर दी ना बेटा। यस पापा, यस पापा, आज जागी हुई है देखिए ना। तो सुबह सुबह बाबू धूप दिखा दिए, धूप ना, धूप देख के आ गई है, और यहाँ पे भाभी कर रही है इसको मसाज, क्योंकि इसको पाउडर मसाज हो रहा है, ऑयल मसाज नहीं होगा अभी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। सो बाबू मसाज अच्छे से करवाती, उसको शायद भूख लगा नहीं, भूख लगा है तो दो बार सुसु कर दी, पॉटी कर दी,
तो गाइस वीडियोस में देखा आप लोगों ने कि बाबू को कैसे ऑयल मसाज हो रहा था। ऑयल मसाज करके मस्त अभी हो गई है, बिस्तर में अपना सो गई है और रूडी भी यहाँ पे सो गया है। शाम का टाइम हो चुका है और रूडी अभी तक सो रहा है, तो इसको भी ज़रा उठाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे ताकि ये उठ जाए शाम का वक्त में। अब ज़्यादा सोएगा तो फिर रात को कब सोएगा ये, तो ऐसे ही इसको बस सोने का थोड़ा दिल किया तो वो सो गया गाइस, अभी सो गया है। और बाकी गाइस आपको देखते हैं कि इस रूम में दिखाता हूँ मैं आपको कि इस रूम में क्या चल रहा है अभी। तो इस रूम में गाइस चल रहा है मोमोज़, तो मोमोज़ का यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग, मोमोज़ का बर्तन भी है, मोमोज़ भी यहाँ पे पूरा भरा जा रहा है और भाभी यहाँ पे मोमोज़ अपने हाथों से बना रही है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छा मोमो बनाती है भाभी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हें मोमो बनाने की, अक्सर ये मोमोज़ अपना बनाते रहती हैं। तो ये इन्होंने कहा कि मैं आपको आज मोमोज़ बना के खिलाती हूँ, तो आज अपने भाभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से मोमो बनाकर हमें खिला रही हैं। तो तन्नू भी यहाँ बैठ के अपना शाम के टाइम में अपना स्कूल का होमवर्क कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है पढ़ाई में ये और काफ़ी ज़्यादा मतलब डेडिकेशन है ये इसके अंदर में अपने पढ़ाई को लेकर के। और यहाँ पे देखा जाए गाइस, तो इस रूम में आते हैं तो देखते हैं कि फिर इस गाइस रूम में आते हैं देखते हैं हम कि सोना बाबू यहाँ पे रो रही है, चिल्ला रही है क्योंकि इसे अकेला रहना थोड़ा भी पसंद नहीं है। हमेशा इसको एक आदमी साथ में चाहिए, या तो वो पता रहती है या तो भाभी है तो मैं, इसे थोड़ा भी अकेला रहना पसंद नहीं है। गाइस ये देखिए कैसे ये भी मतलब बहुत ज़्यादा शरारती है ये सोना बाबू। तो सोना हाय हेलो, तो यहाँ पे गाइस जो है उपासना आ चुकी है, सोना को गोद में उठाकर देख रही है कि क्या की है इसने। तो शायद यहाँ पे इसने पोटी भी की हुई है और सुसु भी की हुई है डायपर्स पे, और डायपर्स चेंज करने के लिए उपासना यहाँ पे उसे गोद में उठाती है और चेक करेगी अच्छे से कि उसने सुसु की है पोटी की है। और बाकी यहाँ पे खिला रही है, उसे चुप करा रही है, बट ये मानने को तैयार नहीं है, बट मान जाती है एक बार में। एक बार इसको गोद में कोई उठाएगा ना तो वो तुरंत चुप हो जाती है, गोद के नीचे रखते ही फिर वो रोने लग जाती है। तो ऐसे ही ये करती है सोना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपासना और सोना खेल रही है साथ में। उपासना काफ़ी ज़्यादा इसको खिलाने की कोशिश कर रही है और ये मान चुकी है सोने के लिए बिस्तर में वापस से, बट थोड़ी देर में देखिएगा शायद ये फिर से रोने लगेगी। और रूडी भी यहाँ पे सोया हुआ, रूडी अभी तक उठा नहीं है, तो इसको उठाने के लिए उपासना फिर से गई है, कोशिश कर रही है उठाने के लिए और उठा रही है पैर खींच के इसको, और चुटकी भी आ चुकी है यहाँ पर। और रूडी का ये लुक देखिए गाइस, क्या मतलब क्या ही लग रहा है रूडी यहाँ पे जो चोटी किया हुआ है स्टाइल में, ये तो एकदम से मतलब टाइगर श्रॉफ जैसा लग रहा है ये गाइस, और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा है रूडी यहाँ पे। और रूडी को काफ़ी ज़्यादा उठाने की कोशिश किया जा रहा है अभी कि रूडी बाबू तुम उठ जा हुआ बोल के, उठ जा बोल के, अब नहीं तो फिर तुम रात को नहीं सो पाओगे, फिर अर्ली मॉर्निंग तुम्हें सुबह स्कूल भी जानी है। और देखिए सोना यहाँ पर फिर से रोने लग गई, जैसे ही उसको बिस्तर में नीचे हम लोग रखते हैं वो तुरंत लगती है रोने और पूरे अपने आप को एकदम ऐसे 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 पूरा बॉडी को मतलब पूरा घुमा लेती है ऐसे ऐसे करके कि मुझे गोद में कोई उठा लो भाई उठा लो। तो ऐसे में रूडी को देखिए गाइस, वो अभी भी उठने के लिए नाम नहीं ले रहा है, वो अभी भी सोना चाहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमेडी पे कॉमेडी किया जा रहा है रूडी यहाँ पे। तो रूडी अभी उठ जाएगा थोड़ी देर में यहाँ पे, बाकी मान जाएगा यहाँ पे। उठो जाओ रूडी भी यहाँ पे उठ चुका है गाइस, ये देखिए। और रूडी को बस यही है कि अभी सब उठने के बाद भी ये अभी सोने का ही नाम ले रहा है और इसके अपने मम्मी के गोदी में आके सो रहा है आराम से, और यहाँ पे मस्त बैठ के अभी हवा खा रहा है पंखे का। और देखता हूँ कि मैं रूडी कब तक उठ जाएगा, इसकी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसे थोड़ा सर्दी भी हुई थी दोपहर से ही। और बाबू भी यहाँ पे सोइए सोना, ये देखिए गाइस कितनी क्यूट सी लग रही है मेरी बेटी। आप कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरी बेटी सोना कैसी लग रही है आपको। तो गाइस यहाँ पे देखिए मोमो बन चुका है, वेज मोमो पनीर मोमो जो भी है यहाँ पे, ये सब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, लजीज बना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को टेस्ट। मैंने भी टेस्ट किया अभी, एक और टेस्ट करता हूँ ये वाली रेड चटनी के साथ। हाय गाइस, मोमो बहुत अच्छा भाई,
बहुत। तो उपासना का यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ मिला है इसको, रेड ग्रीन चटनी भी है बनाने वाले, यही है काफी अच्छा बनाई मम्मू, बहुत टेस्टी है।